श्रीमती पूनम महाजन जी हैं जो मुंबई से सांसद भी हैं, हमारे बीच में मधुकेश्वर देसाई जी हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे बीच में सौरभ चौधरी जी हैं राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और शिवम छाबड़ा जी हैं जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं साथ में। मैं आगे की कार्रवाई के लिए पूनम जी से आग्रह करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करें। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल और परसों 11 और 12 तारीख को आने वाले सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की उपलक्ष में हमने सोचा और पार्टी ने सोचा कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो जिम्मेदारी आ रही है, जो विजय लक्ष्य 2019 भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिसकी शुरुआत रखी, नींव रखी, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आगे बढ़ाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने हम पे विश्वास रखा कि आने वाले चुनाव में, जिसे हमने विजय लक्ष्य 2019 कहा है, उस आने वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवाओं से जुड़ के उनको भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे पार्टी ने युवा मोर्चा को दी है। आने वाले समय में 2019 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऐसे काम मिले हैं, बहुत सारे विचारों पे काम लेके हम आगे बढ़ा रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि युवा मोर्चा को गिन के 14 और हम उसको एक्सटेंड करके 17 ऐसे कैंपेन रिलेटेड कार्यक्रम मिले हैं जिससे हम हर तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ सके। हर वक्त कार्यक्रम पार्टी का होता है तो वो हर वक्त कार्यकर्ता टू कार्यकर्ता होता है, लेकिन मेरे गत 2 वर्षों के राजनीतिक सफर में युवा मोर्चा के अध्यक्षा के रूप से हमने कार्यकर्ता टू कार्यकर्ता एंड कार्यकर्ता टू पीपल, द यूथ ऑफ दिस नेशन, इस रूप से अलग अलग कार्यक्रम रखे। वो कार्यक्रम हम हर रूप से युवाओं को कैसे जोड़ सकें, उनसे संवाद कैसे कर सकें, उनसे बात कैसे कर सकें, उनसे डायलॉग कैसे कर सकें, वो आइडियोलॉजिकल हो, नॉन आइडियोलॉजिकल हो, कनेक्टेड टू यूथ हो, हर कोई डायलॉग में भारतीय जनता युवा मोर्चा, मैंने पिछली बार भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम हर रूप से युवाओं से जुड़ना चाहते हैं। वो युवा स्कॉलर हो, वो युवा स्कूल स्टूडेंट हो, वो युवा एक अच्छा ब्लॉगर हो, वो युवा कुछ अलग रूप से एनजीओ से काम करता हो और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से वॉलंटियर के रूप से जुड़े, या आने वाले समय पे जब मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ और चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करूँ तो किस रूप से मैं कनेक्ट हो पाऊँ, हाउ डू आई बिकम अ फर्स्ट टाइम वोटर। ये भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि फॉर्म नंबर 6 कैसे भरा जाता है जब फर्स्ट टाइम वोटर बनना चाहता है, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। और मेरी ये सौभाग्य कि युवा मोर्चा की मेरी ये राष्ट्रीय टीम और प्रदेशों से लेकर जिला तक की भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम हर आयाम से लोगों से जुड़ी हुई है, युवाओं से जुड़ी हुई है, और हम उस रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि कैन यू पुट द फर्स्ट स्लाइड प्लीज़, आप जानते हैं कि आने वाले समय में दिस कंट्री, दिस नेशन इज अ यंग नेशन, द एस्पिरेशन ऑफ दिस यूथ विल डिसाइड द एस्पिरेशन एंड फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। जो देश का युवा तय करेगा वही इस देश का भवितव्य होगा। और इस देश को जब हम देखा जाते हैं कि 2011 के सेंसस डेटा के रूप से आप देखेंगे तो अबाउट 2 करोड़ यंगस्टर्स आर टर्न 18 एवरी ईयर, हर साल में 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर 18 साल के बनते हैं, वो बच्चे बनते हैं। इस आने वाले चुनाव में 2014 के चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स ये 10 करोड़ से ज़्यादा थे, इस आने वाले 2019 के चुनाव में 18 से 23 साल की उम्र, हमने उसको कैटेगराइज किया है, युवा मोर्चा ने पूरी तरह उसका अभ्यास किया है, ऐसे 15 करोड़ से ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स बनने वाले हैं और पहली बार वो मतदान देने वाले हैं। The youth will again come out in large support. They want to support the nation. They want to support the aspiration of this nation, and they know the aspiration and future of this nation is our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. तो हमने यूनिक रूप से, क्योंकि हर वक्त मैं ये कहती हूँ K2K होता है, K2P नहीं होता, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता कनेक्ट तो बहुत सहज रूप से होता है, लेकिन कार्यकर्ता टू पीपल, और स्पेशली ऐसा एस्पायरिंग यूथ जो सोशल मीडिया पर मिल सकता है, जो ज़मीनी कार्यकर्ताओं के रूप से, तो हमने एक 14 रुपयी कार्यक्रम छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन के रूप से अलग किया है। तो इस कैंपेन को हम आगे ले बढ़ रहे हैं। इस कैंपेन की शुरुआत हम 12 तारीख को परसों भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी राष्ट्रीय काउंसिल हो रही है, राष्ट्रीय परिषद, उसमें इस कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं। ये विजय लक्ष्य कैंपेन इस तरीके से आगे बढ़ेगा
कि इस कैंपेन को लॉन्च करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद लेके हम नेशनल यूथ टीम इसको कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे. इट विल बी कॉल टू एक्शन फॉर यंग इंडियंस टू कम टुगेदर टू सपोर्ट आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड देयर एस्पिरेशंस टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड. नेक्स्ट. हम उस 12 के बाद बारह तारीख में जब इसको हम लॉन्च करेंगे, उसके बाद 17 को हमने तय किया है कि हम अपने कार्यक्रम 14 में से सारे कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे. जब से हमने युवा मोर्चा की ऑनलाइन जिम्मेदारी भी ली, जब से मैं अध्यक्षा हूँ, हमने लोगों को एक फॉर्म भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक वेबसाइट पे रखा कि हाउ डू यू वांट टू कॉन्ट्रीब्यूट एज ए यंग वोटर, एज ए यंग वॉलंटियर. और जब हमें पता चला कि जिस रूप से हम लोगों से जुड़ना चाहते थे उसका नंबर काफ़ी बढ़ता गया, और हमने फॉर्म में ये भी ड्रॉप डाउन लिखा था कि आपको कितने घंटे काम करना है युवा मोर्चा के साथ, किस रूप से काम करना है, आपको क्या करना है, विल यू हेल्प अस इन पॉलिसी वर्किंग, विल यू हेल्प अस इन कंटेंट राइटिंग, विल यू हेल्प अस ऑन ग्राउंड वर्क, बूथ कमेटी में काम करेंगे. ऐसे अनगिनत अपेक्षाओं के रूप से हमने लोगों को ये ऑप्शन दिया. और मैं खुशी से कहना चाहती हूँ और ये हर्ष से कहना चाहती हूँ कि लाखों युवाओं ने हमारे साथ जुड़ने के लिए पिछले 2 साल से ये दिखाई ताकत दिखाई हमको. और उसी रूप से हमने सोचा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इसको अलग रूप से देखा जाए. लॉन्च 12 तारीख को होने के बाद हमने तय किया है कि 17 जनवरी को मैं खुद अरुणाचल प्रदेश से इसको लॉन्च करने वाली हूँ. ये एक ऑनलाइन वॉलंटियर्स कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं जिसमें 100 से ज़्यादा जिलाओं में हम सीधे ऑनलाइन कनेक्ट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं. हमने इसको जिला तक रखा हुआ है. मैं खुद 100 लोकेशन से बात करूंगी, वो 100 लोकेशन अलग जिलाओं से बात करेंगे. और ऑलरेडी हमने ये रिकग्नाइज किया है कि कौन सा जिला कितने वॉलंटियर पहले से साथ लिया हुआ है. तो जब 17 को मैं समझो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बैठी रहूंगी और वहाँ से सारे देश भर के ऑनलाइन वॉलंटियर जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं अभी आने वाले चुनाव से, उनसे कनेक्ट करूंगी. वो ऑनलाइन वॉलंटियर आप देखेंगे तो 10,000 से ज़्यादा मैं उनसे कनेक्ट करूंगी, 100 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा. और उसके वाया जितना हमारे पास डेटा आया है, हमारे पास ऑलमोस्ट 50,00,000 तक ऑनलाइन वॉलंटियर्स का डेटा ऑलरेडी आ चुका है और वो ऑनलाइन वॉलंटियर हमारे साथ काम करना चाहते हैं. तो ये पूरे देश भर में कैंपेन रहेगी. ऑनलाइन के रूप से हमने एक नई सीरीज़ भी हम शुरू करने वाले हैं. 12 जनवरी को सारा लॉन्च है उसका. उस सीरीज़ में हम BJYM के फेसबुक पेज को और वेबसाइट को साथ में लेके हमने ये तय किया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अमित शाह जी हैं, इन सबको हम उस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और BJYM के प्लेटफॉर्म पे सवाल जवाब का हम जरिया एक ऑनलाइन डायलॉग सीरीज 12 तारीख से शुरू करने वाले हैं, जिससे आप ऑनलाइन सवाल भी पूछ सकते हैं एंड यू कनेक्ट विथ योर लीडर थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो. और उस रूप से हम आगे बढ़ेंगे. और एक कार्यक्रम जो हमें दिया है, जो मैंने अभी कहा कि नमो युवा वॉलंटियर नेटवर्क जो पैन इंडिया कार्यक्रम है, 50,00,000 से ज़्यादा वॉलंटियर की लिस्ट हमारे पास पहले से आ चुकी है. एंड बोथ अर्बन रूरल विल बी टारगेटेड कवरिंग 500 डिस्ट्रिक्ट और पूरे देश भर में इसका काम होगा. और एक कार्यक्रम इससे हम बहुत अच्छे रूप से देखना चाहते हैं, यूथ आइकॉन नेटवर्क. ऐसे बहुत सारे आइकॉन, यूथ आइकॉन जो होते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने रूप से देश की आने वाले समय में अपने एस्पिरेशन को जोड़े, जो ब्लॉगर हो सकते हैं, पर्सनालिटी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन आइकॉन की हमारे पास पूरी लिस्ट है जो चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली युवा मोर्चा के साथ अपने प्लेटफॉर्म से युवाओं से जुड़े और उनको कहें कि आप वोट करिए, सरकार किस रूप से काम करना चाहती है, आप कैसे जुड़ सकते हैं, आप कैसे अपने एस्पिरेशन को जोड़ सकते हैं. उस रूप से हम युवा आइकॉन नेटवर्क को एक बहुत बड़े रूप से देख रहे हैं. और ये युवा आइकॉन नेटवर्क जितना हमने उस रूप पे अभ्यास किया और नंबर्स आए हैं, उस युवा आइकॉन नेटवर्क के हमारे पास अब तक 1,000 राष्ट्रीय रूप से नॉन आइकॉन हैं जो चाहते हैं हमारे साथ काम करें. और जिला से भी हमने कहा है कि मंडलों से जो जो कार्यक्रम हो सकते हैं, शहरों से कार्यक्रम हो सकते हैं, वो युवा आइकॉन उनसे जुड़ेंगे. और इसमें से कुछ आइकॉन आने वाले समय में जो हम, मैं कहूँगी, जब टाउन हॉल कर रहे हैं और एक बड़ा राष्ट्रीय टाउन हॉल 23 फरवरी को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ करने वाले हैं, वहाँ पे ये युवा आइकॉन हमारे साथ जुड़ेंगे.
कैंपस एम्बेसडर नेटवर्क। 18 से 23 साल के युवा जब फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं, उन्हें हम ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो हम कॉलेजेस और कैंपसेस में जुड़ते हैं। हमें ये भी इंक्वायरी आई थी जब मैंने युवा मोर्चा के रूप से लोगों तक पहुँचने की कोशिश की कि हाउ डू आई कनेक्ट विथ यूथ, और बहुत सारे कैंपस में रहने वाले स्टूडेंट्स कहते थे क्यों ना हम कैंपस एम्बेसडर बने और हम लोगों तक पहुँचे। उनको फर्स्ट टाइम वोटर बनाना हो तो फॉर्म नंबर 6 के लिए आप हमें मदद करें, हम कैसे मोदी जी के साथ जुड़ सकते हैं, किस रूप से जुड़ सकते हैं। इसलिए हमने कैंपस एम्बेसडर नेटवर्क बहुत बड़े रूप से शुरू किया है। उसमें मन की बात सेशन एट देयर कैंपसेस इज गोइंग ऑन, मीटिंग, डिस्कशन, डायलॉग्स, उस रूप से हम कैसे जुड़े। और हमारे पास अब तक वी हैव आइडेंटिफाइड 30,000 एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑल ओवर, वी हैव अ डेटा ऑफ दैट, एंड वी आर ऑलमोस्ट एनरोलिंग 50,000 कैंपस एम्बेसडर्स अक्रॉस द कंट्री, जो 500 जिलों से ज़्यादा से हमने 50,000 कैंपस एम्बेसडर ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम उनसे उस जिलों में उस जिलाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनके साथ जुड़ेंगे और उस कैंपस में हमारे रूप से क्या हो सकता है हम वो काम करेंगे। तो एक कैंपस एम्बेसडर नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। जब हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करते तो हर कोई वोटर, जितने लोगों से हम मिलते हैं, वो चाहते हैं कि उनका पहला वोट जो होगा, जो जिंदगी का पहला वोट है, वो मोदी जी को दे। तो हमने एक बड़ी प्लेज कैंपेन शुरू की है, #मेरा पहला वोट मोदी जी को। सो पहला वोट मोदी को, इस कैंपेन को हमने शुरुआत बहुत पहले किया है और इसकी बहुत अच्छे रूप से हमें समर्थन मिला है पहला वोट मोदी को, कि अपने रूप से पहला वोट मोदी के रूप से आप वोट ज़रूर करेंगे, वोटर बनेंगे, और इसके बाद यू विल टेक प्लेज दैट आई एम अ यंग इंडियन एंड आई वुड लाइक टू वोट फॉर माई नेशन, फॉर मोदी जी। और वो प्लेज लेके हम उनकी तस्वीर और उनको सोशल मीडिया पे हमारे भी प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ाएंगे। हमारे इसमें टारगेट होगा कि 15 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स है, बट प्लेज और ऑनलाइन नेटवर्क के रूप से 50 लाख तक युवा हमें ज़रूर इसके साथ जुड़ेगा, इस रूप से हमने उसकी अरिथमेटिक की हुई है। अ चांस टू मीट मोदी जी एंड सम सीनियर लीडर्स, इसको बहुत क्लोजली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री कार्यालय से देखा जाएगा कि कौन सा युवा किस रूप से इस कैंपेन को ले जाना चाहता है। इसको फैसिलिटेट करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का है। अगला, व्हाट्सएप इंगेजमेंट। हमने बहुत सारे मंडल लेवल तक व्हाट्सएप अकाउंट्स पहले से बनाए हुए हैं। ये हमारी गई एक वर्ष की मेहनत है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से भारत में ऐसा कोई भी मंडल नहीं रहा जहाँ पर एक बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बना नहीं है। सो राष्ट्रीय रूप से जो कार्यक्रम मैं एक बार तय करके हमारी टीम तय करती है, वो मंडल लेवल तक आने वाले 5वें मिनट तक पहुंच जाता है और हम उसे उसी सीरीज पे रखते हैं। उसमें हमने इस बार तय किया कि अब तक वी हैव रीच्ड आउट टू ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑफ आ कार्यकर्ताज, 1 करोड़ तक से ज़्यादा हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं तक हम जुड़े हुए हैं ऑफिशियली, और उनको हम इस रूप से जो कोई कैंपेन हो उस व्हाट्सएप इंगेजमेंट से जोड़ना चाहते हैं, जो मंडल लेवल नहीं बूथ लेवल तक पहुँच चुकी है। हमारे लिए नमो ऐप एनरोलमेंट भी, ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इट विल बी अ नेशनल इंगेजमेंट, और युवा मोर्चा एक गत 2 सालों से करता आ रहा है कि नमो ऐप के रूप से युवा मोर्चा हम अपने प्रधानमंत्री से सीधे रूप से जुड़ सकते हैं, और भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम नमो ऐप पे सबसे अच्छा काम कर रही है, लोगों से जुड़ रही है, इंटरेक्शन रख रही है, कोऑर्डिनेशन रख रही है। तो जब भी कभी आप नमो ऐप देखेंगे तो आप देखेंगे युवा मोर्चा के पदाधिकारी और जो युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम है वो सबसे एक्टिव नमो ऐप पे है, और उसको हम बहुत अच्छे रूप से लोगों तक पहुँचा के 50 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को युवा मोर्चा के रूप से नमो ऐप के रूप से उनसे हम कनेक्ट करते हैं। बहुत बार हमने नमो ऐप पे कंपटीशन भी रखी है जहाँ पे युवा मोर्चा ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, और वो लिंक हम जो युवा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको भी नमो ऐप पे लाके नमो ऐप का एक बड़ा हमने टारगेट रखा हुआ है। जैसे ऑनलाइन के रूप से हमने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं जहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया के मार्फत युवा जिस रूप से हमें जुड़ना चाहता है, युवा मोर्चा से हमने जुड़ा है। आने वाले समय में हम ऑफलाइन या ऑन ग्राउंड क्या कर सकते हैं जिससे हम दूसरे अलग अलग विषयों पे युवाओं से जुड़ सकते हैं, तो कमल खेल प्रतियोगिता 12 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक हमने रखी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे पिछले साल हमने कार्यक्रम लिया था कि खेलो भारत, जिससे हमने भारत की मिट्टी से जुड़े हैं 5 खेल लोगों तक जोड़े थे और पूरे राष्ट्रीय रूप से बहुत बड़ा कार्यक्रम बना था। ऐसे ही अभी स्टेट लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक
हर प्रदेश अपने रूप से उनके रूप से किस कार्यक्रम को लेना है, किस खेलों को लेना है। ऐसे कमल कप खेल प्रतियोगिता रखेंगे हम, उस प्रतियोगिता से जैसे अभी महाराष्ट्र में भी चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है, कर्नाटक में भी अभी हुई, इनसे हम स्पोर्ट्स से आइकॉन जो निकलेंगे और युवा निकलेंगे उनको भी कनेक्ट करना चाहते हैं। यूथ पार्लियामेंट, मुझे याद है मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर वक्त कहा कि हमें नया नेतृत्व जब तैयार करना है तो हमें यूथ पार्लियामेंट या मॉक पार्लियामेंट करने की बहुत ज़रूरत है, जिसे हम नया नेतृत्व निर्माण कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का और मेरा यही काम रहता है, मेरी टीम का, कि आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं इससे नया नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए हम तैयार करें, जिससे वो और मल्टीप्लाई होकर युवाओं तक जुड़ सके। तो युवा संसद हम कर रहे हैं, जो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ऐसे सम्मेलन पब्लिक रूप से होंगे, जहाँ पे 650 संभाग लेवल सम्मेलन रखे हुए हैं। 6,000 से ज़्यादा युवा हर एक सम्मेलन पे होंगे। एक संभाग हमने 5 से 7 मंडलों का बनाया हुआ है, और एक मंडल जो होता है वो 80 से 120 बूथ का होता है। वो मंडल वेरी करता है हर प्रदेशों में, बट 80 से 180 बूथ का एक मंडल और एक संभाग का हमने युवा संसद रखी है। इससे लगभग हम 35 से 40 लाख युवाओं तक जुड़ सकते हैं, जो युवा युवा संसद में भाग लेना चाहते हैं, और उनको हम आमंत्रित करते हैं। इससे जिस राष्ट्रीय टाउन हॉल की मैं बात करी, उसके पहले हमने तय किया कि हर स्टेटों में नेशन विथ नमो राइटर्स कॉन्क्लेव, जिस टाउन हॉल की हम बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय टाउन हॉल, इसके साथ हम सबसे पहले स्टेट और टाउन हॉल करेंगे, उसकी भी तिथि तैयार है। नेशन विथ नमो राइटर्स कॉन्क्लेव हम इसलिए कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ नगर निगम शहरों में, ये नेशन विथ नमो ये कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम अलग अलग रूप से एक राइटर क्या चाहता है, किस रूप से कंटेंट हमें दे सकता है, उसके एनालिटिक राइटिंग हो, आर्टिकल हो, उसके ब्लॉग हो, तो उसे हम बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के वेबसाइट में प्रदर्शित करेंगे। जो इशू होता है जिसे नेशनल इम्पोर्टेंस से और लोगों तक पहुंच सके, जिसे खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ऐसे युवाओं के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। कमल युवा महोत्सव, कमल युवा महोत्सव हम चाहते हैं कि जैसे हम लेखकों के साथ जुड़े हैं, हम स्पोर्ट्समैन के साथ जुड़े हैं, हम बहुत लोगों के साथ जुड़े हैं, तो एक प्रकार से थिएटर पर्सनालिटी, ये भी बहुत बड़ी कला व्यवस्था है, जहाँ पे लोग एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अपनी विचारधारा से। हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते, तो एक माध्यम चाहते थे, तो हमने सोचा कि कमल युवा महोत्सव 1 से 15 फरवरी को हम इसकी शुरुआत करें। वो हर एक जिले तक होगा, और फिर एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा उसका कार्यक्रम हम चाहते कि मार्च के पहले हफ्ते में कमल युवा महोत्सव का करें, जहाँ पे एमिनेंट सिंगर्स, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जो अच्छी कला दिखा सकते हैं। हमने ये भी प्लान किया है कि नुक्कड़ नाटक हर प्रदेशों में अपने रूप से लोगों तक पहुँच सके, तो उस रूप से नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की हुई है। विजयलक्ष्य युवा सम्मेलन, जब अक्टूबर को हमने हैदराबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन युवा मोर्चा का एक ऐतिहासिक रूप से किया, तभी विजय लक्ष्य की एक जिम्मेदारी हमने अपने कंधे पे ली, और मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को समझती हूँ, जब हमने विजय लक्ष्य 2019 की नींव अक्टूबर में हैदराबाद में रखी, वही नींव आज आगे बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले चुनाव में सारी जिम्मेदारी युवाओं के साथ जुड़ने की, युवाओं को आगे लेके कैंपेन को विजय लक्ष्य के आगे लेने की हम पे दी है। तो उस रूप से हम यही सम्मेलन जो राष्ट्रीय रूप से हमने किया है, यही बूथ लेवल से हर प्रदेश में, हर बूथ में 10 युवाओं की टोली लेके हम हर प्रदेश में विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन करना चाहते हैं, जो राजनीतिक रूप से बड़ा सम्मेलन होगा, वो युवा सम्मेलन हम करना चाहते हैं। उस युवा सम्मेलन में लोगों से जुड़ के एक राजनीतिक मुद्दा और हमारी आने वाली नैरेटिव चुनाव की कैसे होगी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीय टाउन हॉल होने वाला है, उसी से पहले 16 से 22 फरवरी तक हम स्टेट लेवल के टाउन हॉल रखेंगे, और उस टाउन हॉल में कुछ अच्छे एमिनेंट युवा जो होंगे, जिन्होंने एक अच्छा रूप से उस टाउन हॉल में पार्टिसिपेशन किया होगा, और जो मैंने कहा कि 1,000 ऐसे यूथ आइकॉन होंगे, उन सबको लेके हम एक बड़ा नेशनल टाउन हॉल 23 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो खुद वो टाउन हॉल लेंगे, और उस टाउन हॉल से हम देश की सारे युवाओं को हर मंडल तक उसको टेक्निकली भी कनेक्ट करेंगे, वीडियो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा 12 जनवरी से ले के 23 के टाउन हॉल तक हम इसको पूरे रूप से बनाएंगे। 23 फरवरी के टाउन हॉल तक नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, जिस रूप से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो पाए। हमारे पास बहुत ऐसी क्वेरीज आती है कि युवा चाहते हैं कि हम नुक्कड़ नाटक करें, हम बताएं कि सरकार की इतनी सारी उपलब्धियां हैं, उसको हम अलग रूप से लोगों तक पहुंचाएं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी ऐसे लोग कहते हैं। तो हमने उस नुक्कड़ नाटक की टोलियां बना चुके हैं पूरे प्रदेशों में, और वो टोलियां पूरे 23 फरवरी से आगे चुनाव तक नुक्कड़ नाटक के रूप से भारतीय जनता पार्टी और NDA के सरकार किस रूप से लोगों तक पहुंच रही है, हम नुक्कड़ नाटक के रूप से दिखाएंगे। हमें कहा गया है कि इतना सारा कार्यक्रम, जिस रूप से डेटा हमें मिल रहा है, युवा हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम एक दिन 66 ऐसी जगहों पे युवा मोर्चा का नेतृत्व, जो युवा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी है, ये 66 ऐसी जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही दिन सब जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों को कहेंगे कि अब तक हुआ कार्यक्रम, जो मैंने कार्यक्रम आपको बताया, इस कार्यक्रम के दौरान हम कैसे युवाओं तक जुड़े, किस रूप से युवा हमारे साथ पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और इस कार्यक्रम की सफलता, जो मुझे विश्वास है युवा जिस रूप से जुड़ रहे हैं वो सफल ही कार्यक्रम होगा, इस सफलता को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा मोर्चा के चेहरे लोगों तक पहुंचाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द चेरी ऑफ द आइसिंग, 2 मार्च को, ये 12 जनवरी से लेके 2 मार्च तक युवा मोर्चा के 14 कार्यक्रम हैं, उसमें अंत में हर बूथ से हम कमल संदेश मोटरसाइकिल महारैली कर रहे हैं। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि कार्यक्रम युवा मोर्चा का ही करेगा। गत 2 वर्ष से युवा मोर्चा हर बूथ में व्हाट्सएप की टोली बना रहा है, बाइकर्स की टोली की हमारे पास लिस्ट है, जिसके पास स्मार्टफोन्स हैं उसकी भी लिस्ट युवा मोर्चा की अलग बनी हुई है। आज वो सारी लिस्ट लेके 2 मार्च को एक ही दिन एक समय पे पूरे देश भर में युवा मोर्चा बाइक रैली निकालेगा, और वो 4000 से ज़्यादा मंडलों तक ये बाइक रैली उसी समय पे निकलेगी। इससे माहौल ये तैयार होगा कि वी नीड नमो अगेन, नरेंद्र मोदी फिर से 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और NDA का परचम फैलाएंगे, और हम सरकार फिर से बनाएंगे जो युवाओं के विचारों की होगी, उनके एस्पिरेशन की होगी, उनके सपनों की होगी, वही सपनों की युवाओं की राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। और हम इसलिए सारा कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे कार्यकर्ता से आगे जाके जो युवा हमसे जुड़ना चाहता है, आई ऑलवेज बिलीव इन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। जब तक राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, जर्नलिस्ट, ज्यूडिशरी अपना काम करते रहेंगे, लेकिन देश की जनता जो अपने एस्पिरेशन के साथ देश को देखना चाहती है, जब तक सहभागी नहीं होगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो हम इस डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट और पार्टिसिपेटिव नहीं कह पाएंगे। और मुझे बहुत हर्ष है कि जिस रूप से हम युवा मोर्चा का काम कर रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, हमें बहुत अच्छे रूप से युवाओं का समर्थन मिल रहा है, और इसी युवाओं के समर्थन की वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इसकी रूपरेखा रखी हुई है। वी आर डन विद दिस। आप सबको मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ, और यस और इस रूप से युवाओं से जुड़ के जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो नमो युवा आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए हमने एक थीम सॉन्ग भी बनाया है, जो हमने हैदराबाद में दिखाया था। आज वो लॉन्च होगा और कल फिर से राष्ट्रीय कार्य परिषद में भी इस गाने को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसकी कॉलर ट्यून, रिंग ट्यून बन चुकी है, और यही कार्यक्रम लेके देश के युवाओं के सपनों के साथ भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना जोड़ के हम युवाओं को आपके रूप से भी आह्वान करना चाहते हैं कि आइए, बढ़िए, देश के सपने के साथ जुड़िए, और हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपके साथ सदैव रहेंगे। धन्यवाद। द सॉन्ग, अच्छा एक सेकेंड, जब तक कोई प्रश्न क्वेश्चन आंसर किसी के प्रश्न पूछे तो, तब प्रश्न। तक कपिल जी एक सेकेंड नहीं पूछे प्रश्न। पूरा रिवाइंड कर दे, इट हैज टू बी फ्रॉम स्टार्ट। Yeah.
भाषण करेंगे और अध्यक्ष जी अपना अध्यक्षीय समारोह करने के बाद प्रधानमंत्री जी का समारोह समापन का भाषण मुझे लगता है 2:30 बजे होगा। सो एक बहुत अच्छे रूप से तैयारी भी हुई है रामलीला मैदान में, और मुझे लगता है पिछले बार भी चुनाव के पहले रामलीला मैदान पे ऐसे ही ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए तभी भी काम किया था, और ये हमारा सौभाग्य है कि ये ऐसे ही एक रिपीटेड हिस्ट्री विल बी रिपीटेड बने रहेंगे, शामिल तो रहेंगे प्रधानमंत्री जी, और ये मैं नहीं कह सकती कितना समय, लेकिन प्रधानमंत्री जी का समापन का भाषण 12 तारीख को होगा जो 2 बजे होगा। मुझे लगता है राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक के रूप से कल सुबह पदाधिकारी बैठक होने के बाद, क्योंकि प्रस्ताव जब आते हैं राजनीतिक हो कोई भी, वो सबसे पहले पदाधिकारी बैठक में उस प्रस्ताव का अभ्यास किया जाता है, उसमें कोई सजेशन ऑब्जेक्शन हो उसके बाद ही मैं कह सकती हूँ कि प्रस्ताव क्या आएंगे, और तभी प्रेस को पता चलेगा। देखिए मैं महिला हूं और मुझे गर्व है कि मैं आज युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूं। ये ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जहां पे महिलाओं को सामर्थ्य भी मिलता है, नेतृत्व भी मिलता है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने टिप्पणी की है, मुझे दुखी इसी बात का लगता है अब तक राजनीति वो मम्मी के पीछे खड़े रह के कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी भी उन्हें शर्म आती होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा घिनौना वक्तव्य किया हुआ है। और कोई राष्ट्रीय युवाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है? अभी वो वैसे युवा अध्यक्ष नहीं रहे तो जी। सबने समर्थन दिया उसको, मुझे लगता है हमने और एक बहुत लंबा जी बिल्कुल पास नहीं, वो आना चाहिए जो आप कह रही हैं, मुझे लगता है वी हैव वन मोर सेशन लेफ्ट, लेट्स वेट। तेईस फरवरी को दिल्ली में जी जी उस टाउन हॉल के सबसे पहले हम 66 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे कि जहाँ पे हमने हमारी सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया है, तभी टाउन हॉल की संख्या मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन टाउन हॉल बहुत बड़ा होगा जिसमें मैंने कहा कि यूथ आइकॉन ही 1000 उसके साथ रहेंगे। रुक बेटा रुक, यूथ आइकॉन भी उसमें 1000 होंगे, और फिर जिल्हाओं से भी जिन जिन्होंने स्टेट के टाउन हॉल में काम किया था, जो विजय लक्ष्य रैली में अच्छा काम कर चुके, उन सब अचीवर्स को हम साथ में लेके टाउन हॉल करना चाहते हैं। वो अचीवर्स पॉलिटिकल अचीवर्स पार्टी के होंगे, वो अचीवर्स जैसे इस कंपटीशन से जीते हुए लोगों, कोई राइटर कॉन्क्लेव से जीता हुआ, कोई अच्छा ब्लॉग लिख रहा हो, इन सबको साथ में लेके, सिर्फ पॉलिटिकल टाउन हॉल नहीं है तो एक यूथ टाउन हॉल है जिसको प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे जी जी। नहीं बिल्कुल नहीं, इससे युवा डिटैच होने की बात नहीं है, युवा अब तक पूरी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अटैच हैं, और वो अटैचमेंट से ही आज इतना बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा को दिया गया है, और मैं फिर से गर्व से कहूँगी कि भाजपा से भी ज़्यादा कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्ष ने युवा मोर्चा को दिया हुआ है जी। 2 मार्च जी देखिए, इसलिए मैंने कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो युवा चाहता है एक ब्लॉग लिखना चाहता है, जो युवा चाहता है कि मैं कैंपस एम्बेसडर बन के मैं 15 वोटर बनाऊं पहली बार, तो ये कंपल्शन अभी एग्जाम की नहीं है, जो जिस रूप से 2 घंटे हफ्ते में देना चाहता है, 15 घंटे देना चाहता है, 24 घंटा देना चाहता है, वो युवा पे डिपेंड करता है, उस रूप से हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है। किसी की परीक्षा को तकलीफ हो ये हमारी कभी इच्छा नहीं होगी। 2 dozen फॉर श्योर। नहीं बिल्कुल, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, हमने उल्टा इसको कैटेगरी में इस रूप से बांटा है कि हर युवाओं को उसके रूप से उसका प्लेटफॉर्म मिले। कोई नहीं चाहता कि मैं बूथ में
कुछ युवाओं को जो पार्टी से जुड़े नहीं होते उनको बूथ प्रणाली नहीं समझती, लेकिन ये समझते हैं कि मैं इन चार घरों में जाके ये कह सकता हूँ, या नुक्कड़ नाटक में मैं एक बहुत अच्छा कलाकार था कॉलेज में, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हमने हर किसी को प्लेटफॉर्म ओपन रखा है कि आप क्या चाहते हो, तो मुझे लगता है बहुत कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत अच्छे रूप से इसको सामने रखा गया है। कैन वी स्टार्ट द सॉन्ग? सॉरी बोला। उनका कोई कार्यक्रम है? देखिए, ये कार्यक्रम सिर्फ एबीवीपी और बीजेवाईएम ने जो किया वो नहीं है, उसके बाहर का भी युवा जुड़ना चाहता है युवा मोर्चा के साथ। सो जो मेंबरशिप ड्राइव एबीवीपी कॉलेजेस में करती है, उतना यूथ कैंपस एम्बेसडर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का करता है। मैं, देर इज़ नो क्लैश, एवरीथिंग इज़ गुड, वी आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड एज अ पॉजिटिव एस्पिरेशनल यूथ, टेकिंग दिस नेशन फॉरवर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और जिस रूप से हमें समर्थन मिला है, दीज नंबर्स आई एम थ्रोइंग एट यू बिकॉज दीज नंबर्स हैव कम टू अस, और हम बहुत खुश हैं कि जिस प्रकार से लोग चाहते हैं एक्साइटेडली कि हम करना चाहते हैं, मुझे लगता है 2019 विजय लक्ष्य पूरी तरह युवा मोर्चा और युवाओं के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। जी मैंने सामना नहीं पढ़ा, पर मैं सामना पढ़ती नहीं, मैं आपका पेपर जरूर पढ़ती हूँ। आप शिवसेना के दूसरे सांसद की बात नहीं कह रहे हो जो कह रहे हैं कि युति अलायंस होनी चाहिए और अच्छे रूप से काम हमने करना चाहिए साथ में? कल परसों ही किसी ने एक मराठी चैनल में कहा। आप समय देंगे तो मुझे लगता है जिसमें जो पढ़ना है उस रूप से मुझे लगता है मेरे प्रिय मित्र पढ़ रहे हैं। मुझे इतना विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं, जिस रूप से उनका नेतृत्व है, एनडीए अच्छे रूप से काम करेगा। और जब तक नथिंग इज बीन डिक्लेयर्ड, लेट्स नॉट अज्यूम अबाउट इट। अजम्पशन पे तो दुनिया डिस्कशन चलता है, बट डिक्लेरेशन पे ही सब कुछ कायम होता है। तो मुझे लगता है हम उसके लिए रुके तो ठीक रहेगा। प्लीज प्ले द सॉन्ग। ये पहली शुरुआत हमने की थी, और आप जब लोगो देखेंगे, जिस अधिवेशन का हमने लोगो किया, यू विल सी अ वुमन ओनली लीडिंग लोगो में, इसमें महिला और पुरुष साथ में है, क्योंकि युवा सिर्फ युवक नहीं रहता, तो युवा में युवक और युवती रहती है। उस रूप से हम इसको देख रहे हैं, ये हमारा पहला कैंपेन है, और ऐसे अलग अलग जिंगल्स और कैंपेन लेके हम और उस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है वॉल्यूम की कमी होने की वजह से द साउंड इफेक्ट इज नॉट कमिंग, बट आई होप बहुत सारे लोगों के फ़ोन पे रिंग कॉलर ट्यून होगी, रिंग टोन होगा, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने युवा मोर्चा को ये प्लेटफॉर्म दिया,
और युवा मोर्चा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जिस प्रकार से देश में युवा राजनीति और युवा नेतृत्व निकल रहा है, युवा मोर्चा उनको परखे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करके भारत को एस्पिरेशनल यंग इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।